प्रदेश सरकार के द्वारा 15 अगस्त तक चलाए गए स्पेशल कोविड टीकाकरण अभियान के बाद अब हमीरपुर जिला में लगभग 96% लोगों को प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100% टीकाकरण करने के लिए आशा और हेल्थ वर्कर्स के माध्यम से सर्वे करके छूटे गए लोगों का टीकाकरण करवाया जाएगा। हमीरपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि आज से जिला में सेकेंड डोज का काम भी शुरू कर दिया गया है ताकि टीकाकरण मुहिम के तहत कोई भी व्यक्ति छूट न जाए। बातचीत के दौरान सीएमओ डॉक्टर अग्निहोत्री ने बताया कि 3,43,930 का टारगेट किया गया था प्रथम डोज के लिए और उसमें काफी ज्यादा कामयाबी स्वास्थ्य विभाग ने हासिल की है। उन्होंने बताया कि अब मात्र 4% ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें अभी तक पहली डोज नहीं लगी है। उन्होंने बताया कि दूसरी डोज के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण में बचे लोगों में गर्भवती महिलाएं और जिन लोगों को कोविड हो चुका है वो लोग शामिल हैं, उन्हें भी जल्द टीका लगवाया जाएगा। आप सभी लोग को विदित है कि पिछले एक हफ्ते कैंपेन चला, हमारा पूरा स्पेशल कैंपेन चला, जिसमें कि पहली डोज जो लगानी थी, जिनको नहीं लगी थी एक डोज, उसको हमने कवर करना था। वो पूरे हिमाचल प्रदेश में चला और हमीरपुर में भी चला। हमारा जो टारगेट दिया गया था स्टेट से उस टाइम 3,57,968, वो हमारा टारगेट था, जिसमें से कि हमने 3,43,246 लोगों को, यानी कि 96% लोगों को अब हिमाचल प्रदेश में कि हमीरपुर जिला में हम लगा चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 4% ऐसे लोग बचते हैं जिनको एक भी डोज नहीं लगा है, उसको हम कवर कर रहे हैं। और जो दूसरा डोज जिनको ड्यू था वो भी आज से हमने शुरू कर दिया, तो अब दोनों लगा रहे। जो थोड़े से बचे हैं हमारे पास लोग, 4% जो लोग बचे उनको कवर करेंगे और सेकंड डोज जिनको ड्यू उनको भी इंजेक्शन लगा रहे हैं। कुछ गर्भवती महिलाएं हैं वो बच गई हैं, क्योंकि गर्भवती महिला में थोड़ा सा भी उतना हेजिटेशन आ रहा था थोड़ा थोड़ा। और दूसरे जो लोग बचे हैं जिनको कोविड होता है, क्योंकि 3 महीने तक जो है वो हम इंजेक्शन नहीं लगाते हैं जिनको कोरोना हो जाता है, तो वो जिन जैसे जैसे उनका टाइम भी पूरा होता जाएगा, 3 महीने कवर कर लेंगे, तो उनको भी हम जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगाए उनको भी वैक्सीनेशन करेंगे। तो ये कुछ बचे हैं, इसलिए 4-5% ये लोग बचे हैं, इनको आने वाले टाइम में कवर करेंगे और सेकेंड डोज को हम कर ही रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने कहा कि स्पेशल अभियान के दौरान करीब 80 टीमों ने जिला के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों की वैक्सीनेशन की और अब भी ये टीमें लगातार काम में जुटी हुई हैं। उन्होंने बताया कि मुहिम के दौरान हमीरपुर जिला में रह रहे प्रवासी मजदूरों को भी घरों के नजदीक कैंप लगाकर टीकाकरण किया गया है। पहले दिन तो हमने 30 बनाई थी, 60 बनाई, 70 80 टीमें तक हमारी काम कर रही थी और अभी भी हमारी लगभग 40-60 टीमें जो डेली काम करेंगी, जिसमें कि हमने खासकर जो माइग्रेंट थे उन पे ज़्यादा फोकस रखा। वो हाई रिस्क ग्रुप था हमारा, जो बाहर से लेबरर आए हुए थे जिनका कोई पता नहीं है, कईयों के पास आईडी प्रूफ नहीं होता था, कई लोग जो थे अपने दिहाड़ी के लिए चले जाते थे सुबह ही, दिन को वो बिजी होते थे, तो उनको तो उनके लिए हमने खास कंपेन किया, मोबाइल टीम में बनाई और उनके पास जाके 6-7 बजे अर्ली मॉर्निंग उनको इंजेक्शन दिया ताकि उनका दिन भी बच जाए और उनको कवर कर लिया। लगभग 95% वो भी हमने कवर कर लिए, जो माइग्रेंट थे लगभग 10-12 हज़ार वो भी हमने कवर किया है और जो बच गए कुछ लोग उनको हम फिर कवर करेंगे। इस बार हम फिर हेड काउंट कर रहे हैं, हम दोबारा हम ऐसी प्लानिंग की है कि अपनी आशा के थ्रू और दूसरा एक पंचायत के थ्रू हम एक हेड काउंट करें फिर दोबारा कि कितने लोग अभी भी किस जगह पे बचे हैं जिनको एक भी कोरोना का वैक्सीन नहीं लगा है, उनको आइडेंटिफाई करके खासकर उनको फिर दोबारा जो हम प्रोत्साहित करेंगे वो इंजेक्शन लगवा लें। वहीं उन्होंने बताया कि जिला में वैक्सीन का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में पड़ा है और जिन लोगों को दूसरी डोज के लिए समय हो चुका है उन्हें आज से डोज लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हर शनिवार के दिन विदेश जाने वाले लोगों के लिए स्पेशल कैंप लगाया जाएगा ताकि वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा सके। 84 डेज बाद जब लगा रहे हैं वो हम चालू कर देंगे, अब आज से चालू हो गए, वो उनको लग जाएगा अब ना, जिस जिसका ड्यू होगा उसको लग जाएगा। हमारे पास वैक्सीन है, इस वक्त भी हमारे पास काफ़ी वैक्सीन है, 20,000 से ऊपर हमारे पास वैक्सीन स्टोर है, तो जो जो लोग हमारे पास आएंगे उनको वैक्सीनेशन कर देंगे जिनकी सभी ड्यू है। जो लोग बाहर जा रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रेवलर जिनको बोलते हैं उनको लिए उनके रिलैक्सेशन है, उनको 28 डेज बाद ही वैक्सीनेशन कर रहे हैं और हर शनिवार को हम उनको इंजेक्शन लगा रहे हैं सेकेंड जिनका ड्यू है उनको।